सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सदा ही लहराता रहिए तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का पंचांग 15 अगस्त 2021 दिन रविवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 4:26 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:19 से 6:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 10:46 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2021 दिन रविवार, इस समय आपके जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल के सुनने चाहिए, अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं का समाधान मिलने से माहौल सकारात्मक हो जाएगा, जिससे आप अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अपने अंदर के संयम को बढ़ाने की कोशिश करें। फिलहाल वक्त आपके पक्ष में चल रहा है, लेकिन केवल संयम न होने की वजह से गलत निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। जिन बातों की वजह से आपका नुकसान हुआ है उनके बारे में आपको जागरूकता महसूस होगी, लेकिन बदलाव लाने के लिए किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता भी है। PhD या उच्च शिक्षण की अपेक्षा रखने वालों के लिए फिलहाल समय उचित है। प्रेम संबंध में खुशहाली बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी आनंद भरा रह सकता है। शारीरिक दर्द को मिटाने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, इससे संबंध मधुर बने रहेंगे। संतान के करियर संबंधित कार्यों में भागदौड़ी की अधिकता रहेगी, परंतु अंत में यह भागदौड़ सार्थक भी साबित होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा तथा आपसे संबंध भी खुशनुमा रहेंगे। आप में से जो अकेले हैं वे अपने संबंध की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, जो पहले से किसी के साथ समर्पित संबंध में बन चुके हैं वे अपने रिश्ते का खोया हुआ रोमांस वापस पाने की कोशिश करेंगे। सभी चुनौतियों पर आपका साहस भारी पड़ेगा और आप किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने वित्त के संबंध में दुविधा की स्थिति में रहेंगे। विरोधाभासी ग्रहों के प्रभाव की वजह से अलग अलग दिशाओं में आपका अंतर्मन भागेगा। आप महंगी खरीदारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन आखिरी समय में अंतिम निर्णय लेने में आपको मुश्किल हो सकती है। इस तरह की दुविधा आपके निवेश में भी प्रतिबिंब होगी। यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित और असहज करेगी। कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने कार्य क्षेत्र पर ना होने दें। नौकरी में मनोनुकूल कार्यभार मिलने से राहत मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। तनाव और थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, ध्यान रखें।
सांस से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। ऐसे किसी जगह पर जाने से बचें जहां एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। जो खनन या फिर इसी प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए इनसे बच पाना पूरी तरह तो संभव नहीं है, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार होने तक सावधानी के तौर पर उस दिन काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि समस्या ज्यादा ना बढ़े। आज का उपाय, गरीबों को पैसों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।